Hello, namaste. Today, game show order communication. I hope you're having a nice day. If not, go check out some last videos. Link in the description and I button. And welcome back to a brand new series of Thailand travel vlogs. And this is the first Thailand travel vlog. So let's start the day. So today is the 1st of June and it's around 5:30 in the morning and right now I'm in Kuala Lumpur, Malaysia and we have to catch a flight to Bangkok in Thailand around 11 or 11:30. So we should leave the hotel by 7 to reach the airport by 8 o'clock. So before that we have to do our breakfast, so let's go and do our breakfast. तो फिर ब्रेकफास्ट करके हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं बस के अंदर और वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट में सीधा बस से. तो पहले तो सब कुछ लोड करना है बस के अंदर लगेज सबका और फिर सीधा अभी एयरपोर्ट पे मिलता हूँ. एयरपोर्ट का नाम है KL2 एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 क्योंकि ये नया वाला एयरपोर्ट है, पुराना वाला एयरपोर्ट भी है इन लोगों के पास. और एक यूनिक चीज़ इस एयरपोर्ट के बारे में यह है कि मॉल और एयरपोर्ट दोनों एक साथ है, एक जॉइंट है. लाइक सेकेंड फ्लोर पर एयरपोर्ट है और बाकी पूरा मॉल है. थोड़े लोग कहते हैं अच्छी डिज़ाइन, थोड़े लोग कहते हैं बुरी डिज़ाइन है क्योंकि बहुत चलना पड़ता है लगेज के साथ. लाइक फर्स्ट फ्लोर फुल चलना पड़ता है और लिफ्ट से ऊपर आके एयरपोर्ट शुरू होता है, मतलब वो भी हाफ सेकंड फ्लोर भी हाफ एयरपोर्ट है हाफ मॉल है, तो बहुत चलना पड़ता है. तो फिर मैं अभी डायरेक्टली आपको बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता हूँ. सारी चेकिंग वेकिंग करके सिक्योरिटी चेक होने के बाद पूरा बैग्स वैग्स लेके हम लोग बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट के. और लाइक अराउंड 40 मिनट्स के राइड के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पहुँचे, इंडियन रेस्टोरेंट थाली नाम के रेस्टोरेंट में. और तो फिर अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं. तो फिर चलो खाना शुरू करते हैं. होटल के बाहर आ चुका हूँ और उसी जगह पे बैठा हूँ जिस जगह पे पहले बैठा था. तो फिर अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ हम लोग हैं कहाँ पे और आगे क्या करने वाले हैं. तो अभी बैंकॉक में हम लोग जैसे बताया एक होटल के पास, थाली नाम के होटल के पास. अगर सबका लंच जल्दी हो गया, मतलब और थोड़े लोग सब लोग ऑलमोस्ट लंच कर रहे हैं, मैं वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स में हूँ जिसका लंच हो चुका है. अगर जल्दी करेंगे तो हम लोग पटाया टावर जाएंगे, नहीं तो हम लोग स्ट्रेटली होटल में जाएंगे. होटल का रास्ता लाइक हम लोग पटाया में होटल, लाइक बैंकॉक में नहीं है, पटाया में होटल है, वहाँ जाएंगे. और इट्स अ 2 आवर्स बस राइड टू पटाया. तो अभी देखेंगे, नींद तो आएगी, अभी सब लोगों ने खाना खाया है, वो भी इंडियन खाना खाया, तो नींद आने वाली है सबको. तो फिर अभी मोस्टली अगर जल्दी हुआ तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन लाइक नेक्स्ट ट्रांजिशन में मैं सीधा पटाया टावर के नीचे रहूँगा, नहीं तो सीधा बस के अंदर रहूँगा. और एक बैड न्यूज़ है, एक्चुअली नॉट इतनी बड़ी बैड न्यूज़ है नहीं है, पर लाइक मेरे लिए बैड न्यूज़ है ये कि मेरा जो ट्राईपॉड था, गोरिल्ला ट्राईपॉड, उसका एक नट स्लिप हो गया है. तो मैं अभी लगा नहीं पा रहा हूँ अपने कैमरा को ट्राईपॉड पे, इसलिए भी हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. हाथ पे पकड़ा है, आई हैव यूज्ड माय हैंड एज ट्राईपॉड. सो फिर अभी देखते हैं क्या करना है उसका, ठीक कैसे, मोस्टली इंडिया जाके ही ठीक करवाऊँगा वो, यहाँ पे तो पता नहीं होगा क्या नहीं होगा. और बहुत लेट हो गया था इसलिए पटाया टावर नहीं गए, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ का एक रूम टूर कर लेता हूँ होटल का. और होटल का नाम है ग्रैंड बेला. सो दिस इज द मेन डोर एंड देयर इज अ सेफ ओवर देयर एंड अ काइंड ऑफ वार्डरोब. एंड ऑन द राइट साइड देयर इज द वॉशरूम विद द सिंक, कमोड एंड अ बाथटब एंड अ शावर, देन अ मिरर एंड देन अनदर काइंड ऑफ टेबल टू कीप योर थिंग्स, अ रेफ्रिजरेटर, अनदर मिरर, two beds, a wall painting, hot air balloon with balloons inside it, another table with a chair, a small desk, bedside desk, and one more table over here with a chair, and a balcony with a great view. Let me open it. Failed. With a great view, a swimming pool view,
सो इट्स अराउंड 7:30 राइट नाउ, और हम लोग का शो है 8:30 या 8 o'clock के आसपास. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कैबरे डांस शो के लिए. तो आई विल डायरेक्टली मीट यू एट द शो. सो राइट नाउ वी आर इनसाइड द शो एंड इट्स कॉल्ड अल चादर शो, इन विच लाइक ऑल द इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स आर परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अस. एंड लाइक द सैड पार्ट इज दैट वी कैन नॉट शूट इन हियर. सो आई विल डायरेक्टली मीट यू आफ्टर द शो. इट्स लाइक 1 hour शो एंड आई विल टेल यू हाउ इट वॉज. डांस बहुत अच्छा था. डिनर करके भी हो चुका है और अभी रूम में हम लोग. तो फिर वहाँ कैबरी डांस के टाइम वहाँ पे रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं थी, बन पिक्चर्स लेना अलाउड था. तो मैंने थोड़े पिक्चर्स लिए हैं, वो पहले देख लो आप और मेरे को बताओ कैसा लगा. मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए क्या था वो. Pictures which you just saw was the cabaret dance pictures, and the special unique thing about those pictures and the performance was that none of them were girls. All the dancers were transgendered, properly surgically transgendered, also known as ladyboy over here. So that's the unique thing of the Alka's dance show, that's why people come here to see it. सो आई थिंक इट्स टाइम टू एंड इन दिस व्लॉग. मुझे पता आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा था नहीं, बिकॉज आज का ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया. एक ऑलमोस्ट आधा भी नहीं, पूरा दिन ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग में निकल गया. और आज सिर्फ एक ही चीज़ की वो थी कि अलकाज कैबरी डांस और कुछ नहीं. तो सॉरी आज कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया. अपन नेक्स्ट व्लॉग थाईलैंड नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. हम लोग बीच पर जाने वाले हैं, तो प्लीज़ वो चेक करना नेक्स्ट व्लॉग. तो फिर अभी के लिए बाय बाय.